व्हाट्सअप भाई बहनों बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे हो तुम लोग। वीडियो की स्टार्टिंग ऐसी करेंगे कि भाई अगर आप ये सोचकर ये वीडियो देख रहे हो कि मैंने गाना अभी तक सुना नहीं है, तो भाई मैं गाना सुन चुका हूं। तो मैं पहले क्लियर कर दूं कि अगर आप ये वीडियो छोड़ के जाना चाहे तो आप जा सकते हैं, लेकिन हम उस जनता के लिए वीडियो बना रहे हैं जो ये मेरा रिएक्शन वीडियो के ऊपर देखना चाहती थी। ऐसे क्या हुआ था भाई कि जब ये गाना आया था उस समय मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी एक दो दिन के लिए, तो मैंने गाना सुन लिया और फिर मैंने उसका रिएक्शन वीडियो नहीं बनाया। लेकिन अभी तक डीएम्स में लोग मेरे को मतलब बोलते हैं कि भाई या कहाँ है, इसको कवर क्यों नहीं करा। तो हमने सोचा ठीक है, जो जनता ये चाहती है कि भाई हम इसको कवर करें, उसके लिए कवर कर देते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो आगे भी देखते रहना पूरा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बिना किसी देरी के ये गाना सुनते हैं, तो बेटा हेडफोन जरा प्रकट हो जाओ। हाँ, सो 3, 2, 1 here we go, I Studio Presents, डायरेक्टर भाई रेहान पटनी। मुझे पहले नहीं पता था रेहान पटनी कौन है, लेकिन भैया इतनी बार इनका नाम सुन लिया कि हाँ भाई थैंक यू वेरी मच। रेहान पटनी इनके एमवीवे के ज़्यादातर वीडियो तो आते हैं, भैया बहुत ही कमाल के आदमी है। इसका वीडियो भी इन्होंने बनाया है इस गाने में। हाँ चलो सुनते हैं पहले। बहुत ही ज़्यादा डार्क है, मेरा चश्मा काला है लेकिन मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये जो ड्रिल बीट है ना, मतलब ये जो हाई हैट कमाल। काफी समय से कर रहा था हसल, कामयाबी मिली तो बना मैं। 6 सेकंड्स की बीट किसने दिया, प्रोड्यूस बाय बीके, बहुत ही सही बीट है। काफी समय से कर रहा था हसल, कामयाबी मिली तो बना मैं हम्बल, इसलिए तो भाई तेरा सबसे अलग, सब जगह असली है नंबर, फेंके ऐसा ले जमा करने आया मैं इनको, चल बेटा अंदर, स्टेज का रखा ली तेरा भाई जीता, रॉयल रंबल 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 बॉय। पॉप स्मोक का फील आ रहा है, तो बेसिकली ये गाना ट्रिब्यूट भी इन्होंने पॉप स्मोक को दिया, इनके टी शर्ट के ऊपर पॉप स्मोक बने हुए हैं। अच्छा करा है लेकिन बहुत ही सही है पर ये एमवीवे जो है ना हुक बनाने में तो मास्टर आ जाए। ऐसा ले जमा करने आया मैं इनको, चल बेटा अंदर, स्टेज का रखा ली तेरा भाई जीता, रॉयल रंबल 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 बॉय, रॉयल रंबल 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 बॉय, रॉयल रंबल 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 बॉय, मासूम से बच्चे जब रास्ते पे चलते हैं, फोकट में उन लोगों को देते रापटे, बनते हैं भाई हो मेरे भाई, मत मेरे डाले तो सदमे है भाई, हो मेरे भाई मत दे तू राय, मत मेरे डाले तो सदमे है भाई, वट मेरे भाई वाला वट ले रे भाई, या फिर आगे जाके देखो जरा खट ले रे भाई, भाई तेरा हंस ले रे भाई, कितने साल काम किया मैंने सस्ते में भाई, शूट हुआ खाना खाया मैंने रास्ते में भाई, समय पे कुछ भी समझते नहीं भाई। तो बेसिकली इसमें भी जैसे कि इट्स वेरी इजी टू जस्ट इग्नोर व्हाट ही इज सेइंग, ठीक है, लेकिन जैसे कि वो लाइन भले ही तुम्हें सुनने में हल्की से लगे कि कुछ लोग यहाँ पे सर झुका के चलते, कुछ लोग पीप आके चलते, तो बेसिकली इज ट्राइंग टू मेक अ पिक्चर, वो वाला सीन यहाँ पे अभी मैंने करने की कोशिश करी है कि दो टाइप के लोग होते हैं। क्या क्या हुआ था मेरे साथ, ठीक है, मैं भी स्ट्रगल कर रहा था, जैसे वो कोरस में लंबर है ना कि जब कामयाबी मिली मुझे तो हुआ मैं हम्बल, तो वही पूरा उसी में ही थीम पे ही ये गाना पूरा चल रहा है। मैंने रास्ते में भाई, समय पे कुछ भी समझते नहीं भाई, मेरे साथ जितने सब कस्टड है भाई, चले गए वो सब अरेस्टेड है भाई, जिनको पसंद नहीं है मीवे बनता है उनको भी मेरे तरफ से नमस्ते है भाई। काफी समय से कर रहा था हसल, कामयाबी मिली तो बना मैं हम्बल, इसलिए तो भाई तेरा सबसे अलग, सब जगह असली है। ये गाना मुझे बहुत सही लगा था जब ये मैंने सुना भी था ना, बिकॉज ऑफ द बीट एंड एवरीथिंग, मुझे पूरा गाने का जो पैकेज बना था वो इतना सही जा रहा था। साले जमा करने आया मैं इनको, चल बेटा अंदर, स्टेज का रखा ली तेरा भाई जीता, रॉयल रंबल 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 बॉय। और ये वाला स्टेप मुझे पता है कि बड़े लोगों ने करने की कोशिश करी थी, ये स्टेप रेहान पटनी ने ही शायद ये करा था, क्योंकि एमवीवे ने शायद स्टोरी डाली थी कि द मैन बिहाइंड दिस और समथिंग, हमने कुछ करके डाली थी, मैं अभी कंफ्यूज हो रहा हूँ, बट ये स्टेप बड़ा पॉपुलर हुआ, आई डोंट नो, क्योंकि पॉप स्मोक के ही स्टेप से आया है वैसे। जेब में पैसा नहीं निकालेगा तू जिएगा कैसा, मैं ऐसा का तैसा कर दूं मैं, सिंगल बेडरूम से सीधा बेटा अलग से रूम है, तुझे मालूम है नी वाला नहीं मिलने वाला है मुंह में, इनको ये लग रेला जीरे ले जंगल में, लेकिन ये जीरे ले ज़ूम है, सच बात है तू मैं क्यों मैं वे बोल दे रे यार, द वे ही सिंग्स,
ऑर्डिनरी वो कैब यूज करता है बंदा, ठीक है, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि जैसे एमीवे की वो कैबलरी कोई बहुत ज्यादा भयानक यूज करते हैं, ठीक है, ऑर्डिनरी वो कैब यूज करके द स्टोरीज दैडी से दब जो अपनी बातें कन्वे करता है बेसिकली, है ना, जैसे कि इन्होंने बोला कि सबको लग रहा है जीरे ले जंगल में, लेकिन ये जीरे जुए, मतलब सबको लग रहा है तो अपने जंगल के शेर हो, बट बेसिकली यू आर एक्चुअली दिस जंगल में, लेकिन ये जीरे ले जू में, सच बात है भाई, तू मैं क्यों क्यों मैं प्रूव कर चुका, अभी कभी नहीं रुकू मैं, जिंदगी है काफी मेरी, सुखू मैं फूकू मैं सारे मेरे दर्द को बाहर, थूकू मैं आके तेरे घर के बाहर, भेजू मैं सारे मेरे लड़के चार, पर ये सब छोड़ चुका मैं, आगे बढ़ना था लाइफ में, पार्ट तो भूल ही गया, तो बहुत टाइम से मैं गाना सुना ही था, मैं एक्चुअली ज्यादा गाना सुना नहीं मैंने, ठीक है, कुछ ही टाइम ये गाना सुना था, हाँ ये पार्ट भी तो आता है जो सडनली चेंज हो जाता है, आगे बढ़ना था लाइफ में, मेरे लिए म्यूजिक बना मेरा लाइफ चेंज, फ्रेंड्स मेरे बहुत बल्ले बहुत ज्यादा डेंजर, पहले कोई नहीं जानता ना, आई एम द गेम चेंजर, सर्कल मेरा टाइट, यहां कोई नहीं है स्ट्रेंजर, बचकाने बजने ले लेके ना, सबको पता है कि बंडाय का क्या है स्पॉट, फैंस मेरे रेज करे शो पे, बेचाम फील लाइक ट्रैविस स्कॉट, 18 के उम्र में किया शुरू, फील लाइक ट्रैविस स्कॉट, अब बोलते पीछे वो ट्रैविस स्कॉट वाला ऑडियो इफेक्ट, फैंस मेरे रेज करे शो पे, बेचाम फील लाइक ट्रैविस स्कॉट, 18 के उम्र में किया शुरू, 25 के उम्र में सब शॉट, गाने मेरे स्नाइपर पेनोवेटल डाइपर, तेरा भाई देगा सीधा हेडशॉट, काफी समय से कर रहा था हसल, कामयाबी मिली तो बना मैं हंबल, इसलिए तो भाई तेरा सबसे अलग, सब जगह असली है नंबर, फेंके ऐसा ले जमा करने आया मैं इनको, चल बे डांस, ये चार लाइनें कितनी बढ़िया, पीछे देख रहे हो, पीछे कोई बीट भी नहीं बज रही है, खाली वो सिंथ वाला लूप चल रहा है, ठीक है, कॉर्ड्स का लूप चल रहा है, और इसके ऊपर एमीवे ने जो बिल्डअप बनाया है मेन रंबल रंबल, जो हुक के पहले वाला जो बिल्डअप है, ये बहुत बढ़िया बनाया है यार, मतलब दिस इज वेरी व्हाट यू से, ये तुम्हारे कानों को पकड़ लेता है कहीं ना कहीं, तेरा भाई जीता रॉयल रंबल 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 बॉय, ए रॉयल रंबल 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 बॉय, ए रॉयल रंबल 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 बॉय, लास्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर 2020, इस साल ने सबको बहुत कुछ सिखाया है, सीख के हार्ड होके अगले साल 2021 में मचा डालो, अपन मचा रहे ले, हाँ, पीस आउट, बिल्कुल सही बात, अब मचा तो रहे, लेकिन भाई साहब आप कहा हो, ठीक है, हाँ, तो ये गाना 31 दिसंबर को आया था, वाह बताओ, मतलब सोच के देखो 31 दिसंबर को गाना आया ये गाना, इसके बाद एमीवे का कोई गाना नहीं आया, तारीख क्या, व्हाट तारीख क्या है, तारीख पे तारीख, व्हाट इज द डे, आज 27 तारीख है, 27 दिन अगर एमवीए का गाना नहीं आया, आप इंस्टाग्राम पे अगर थोड़ा एक्टिव हुए तो आपको देखेगा भैया जनता वहां पे लिटरली उनको टैग कर करके लिख रही, भाई गाना गाए गाना गाए, ऐसी आदत एमवीए ने जनता को डलवा दी है, तो भाई कहाँ हो आप, ठीक है, जल्दी आइए अपना गाना लाइए, मुझे गाना सही लगा था, ठीक है, गाना सही था, कुछ एक दो जगहों पे मैं अगर थोड़ी सी राइटिंग और बेटर हो जाती तो और मज़ा आता, ठीक है, लेकिन ओवरऑल गाने का फील बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार था, ठीक है, देयर वाज लाइक मतलब मुझे जो एक दो पार्ट उतने मज़ेदार नहीं लगे वो भी बहुत लंबे नहीं थे, वो छोटे छोटे पार्ट्स थे, ठीक है, जहाँ पे मुझे उतना फील नहीं हुआ कि राइटिंग, यार देखो एमीवे को बेसिकली एमीवे ऐसी क्वालिटी देते हैं ना कि आप उनको क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है, ठीक है, थोड़ा माइन्यूट लेवल पे जाना पड़ता है, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी लाजवाब होती है, वीडियो क्वालिटी लाजवाब होती है, तो जब वो दोनों चीज़ें इनकी बहुत बढ़िया चल रही है, देखो जिसका ऑडियो ही नहीं अच्छा है, वीडियो नहीं अच्छा है, तो उसके बारे में भी थोड़ी बहुत तो क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, लेकिन जब ये दोनों चीज़ें इनकी ऑन पॉइंट होती हैं तो फिर तो हमें थोड़ा नेटपिक करना पड़ेगा ना यार, तो उस हिसाब से बोलूँगा कि एक दो जगह थी जो मुझे थोड़ा सा और बेटर होता अगर वहाँ पे तो और मज़ा आता, अदरवाइज गाना था भैया रॉयल रंबल लेवल गई था, बहुत बढ़िया तरीका था न्यू ईयर को एंड लाने का, न्यू ईयर को वेलकम करने का और दिस ईयर को एंड करने का रॉयल रंबल के साथ 2020 का एंड, पता नहीं रॉयल रंबल बोलने मेरी जबान में फंबल हो रही है, तो गाना बहुत ही बढ़िया लगा था मुझे ये वाला, मेनली मुझे जो बढ़िया लगा था वो था इसका हुक और प्री हुक बोलते हैं ना, प्री हुक ही बोल सकते हैं, हाँ प्री हुक, और जो बड़ी से वो डांस स्टेप तो कवाल था ही, ओपनली पॉप स्मोक की टी शर्ट पहनी भी बहुत सही करा, क्योंकि अगर वो ना पहनते तो आई एम श्योर बहुत सारे हेटर होते जो सीधे कहते हैं अरे तो पॉप स्मोक की कॉपी है पॉप स्मोक, तो बढ़िया करा भाई, बढ़िया करा पहन लिया ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि भाई हम जानबूझ के ट्रिब्यूट दे रहे हैं, सो फर्जी की बातें ला कर, सो ओवरऑल वेरी नाइस सॉन्ग, ये था हमारे रिएक्शन फॉर नॉट अ वोस्ट टाइम, एटलीस्ट मैं गाना कम से कम 5-6 बार तो सुन चुका हूं,
रगड़ के नहीं सुना, पांच छह बार लेकिन मैंने सुना ये गाना, ठीक है। तो नॉट अ फर्स्ट टाइम रिएक्शन, बट अ रिएक्शन। तुम बताओ तुमको ये गाना कैसा लगा, कमेंट में जाओ, जो लिखना है लिखो, प्यार करो, वार करो, जो मर्जी करो, वीडियो को लाइक करो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सपोर्ट कर करो, सब्सक्राइब नहीं करा तो कर डाले यार, कैसे कैसे बोलू, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं। तो भाइयों बहनों, इस वीडियो में इतना ही, मैं अपना अगला वीडियो लेके जल्दी वापस आऊंगा। टिल देन नया नया म्यूजिक सुनते सुनाते रहिए, अपने गानों को सबसे संगीत से बचा के रखिए, हैशटैग म्यूजिक सुनाओ म्यूजिक बचाओ को फॉलो करिए, फॉलो करिए।